हेलो स्टूडेंट्स, अभी हाल ही के एक वीडियो में मैं बताया था कि अगर आप ट्वेल्थ बोर्ड काफी धांसू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस तरह से स्टार्ट करिए। और उसमें मैं ये भी बताया था कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना बहुत जरूरी है। वो इतना जरूरी है ना, क्योंकि कई कई बार हम जब IIT JEE के क्लास में और बोर्ड्स में घुस जाते हैं, यानी कि बोर्ड्स का प्रिपरेशन करते हुए IIT JEE के क्लास में घुस जाते हैं, तो हमें बोर्ड्स में इतना पढ़ना है और पढ़ा दिया जाता है इतना आप बताएं कितना इतना पढ़ा दिया जाता है। और वैसे कंडीशन है मेरे बच्चों, समस्या स्टूडेंट्स के साथ ये हो जाती है ना कि उनको यही नहीं पता चलता है कि बोर्ड्स में क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। और कई सारे बच्चों के साथ यही हाल 11th के प्रिपरेशन में हो चुका होगा। मैं चाहता हूं कि 12th में आप गलती ना करें, इसलिए आपके पास 12th का एग्जैक्ट सिलेबस होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि क्या क्वेश्चन पूछेगा, कितना पूछेगा, किस कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो मेरे स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ साथ क्लास 12 फिजिक्स का पूरा सिलेबस ही बताने वाला हूं। मेरा नाम है यश मनी, आप लोगों का मोस्ट वेलकम करता हूं टॉपर फिजिक्स यूट्यूब चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट्स, और मिल करके अच्छे से हम लोग लाइव क्लास में स्टडी करेंगे, रेडी रहिएगा। अच्छा, एक चीज और, हम लोग का एमिंग हाई ऐप है नया वाला, इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिएगा, इसको मत इंस्टॉल करिएगा पुराना वाला। नए वाले में पूरा PDF वगैरह सब कुछ मिल जाता है, वीडियोज वगैरह। ये हम लोग का व्हाट्सएप नंबर, इसको सेव करके हेलो हाय कुछ मैसेज जरूर कर दीजिएगा इस व्हाट्सएप पे, ताकि मैं आपको PDF वगैरह सेव कर सकूं। टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा, टॉपर फिजिक्स के नाम से है। चलिए देखिए, पहले तो समझिए कि क्लास 12 फिजिक्स में टोटल 15 चैप्टर है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। हमारे पास NCERT का भी बुक है, और मैं बताऊंगा कि आपको एग्जैक्ट जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है वो कहां से मिलेगा, कहां से आप अच्छे से डाउनलोड कर सकते हैं, या भी जो मैं बता रहा हूं यहां से भी देख सकते हैं आप। और अभी जो NCERT बुक है उसमें सिलेबस गलत है बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग, दोनों बात बताऊंगा। देखिए, तो अगर मैं बात करूं तो आपको टोटल 15 चैप्टर बिहार बोर्ड में पढ़ने हैं, ठीक। नए वाले NCERT में टोटल 14 चैप्टर ही दिया हुआ है, जबकि बिहार बोर्ड में 15 चैप्टर पढ़ना है। पहला चैप्टर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसको मेरे बच्चों इलेक्ट और अस्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता दूसरा चैप्टर है। तो इन दोनों चैप्टर को मिला के हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं, इन दोनों को मिलाकर, अस्थिर वैद्युत की पहला दूसरा को मिलाकर, ठीक है। तीसरा चैप्टर हम लोग का वैद्युत धारा है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी। चौथा गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। पांचवा है चुंबकत्व एवं द्रव, मैग्नेटिज्म एंड मैटर बच्चों। छठा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सातवां अल्टरनेटिंग करंट यानी प्रतिवर्ती धारा। आठवां ये, यहां से हम लोग का पार्ट टू बुक स्टार्ट हो जाता है नौवां चैप्टर से। पहले समझ लीजिए, देखिए NCERT का टोटल दो बुक है, पार्ट वन पार्ट टू। तो पार्ट वन चैप्टर 1 से लेके 8 तक है, और पार्ट टू चैप्टर 9 से लेके 15 तक है, ठीक। तो 9 हो गया रे ऑप्टिक्स और 10 हो गया वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की। अब 11, 12, 13, 14, 15 यहां से यहां तक को मिलाकर बोला जाता है मॉडर्न फिजिक्स। फिर से पूरा सुन लीजिए, टोटल 15 चैप्टर है, चैप्टर 1-2 को मिलाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी अस्थिर वैद्युत की बोला जाता है। 8 चैप्टर पार्ट 1 बुक में पढ़ना है, 9 से लेकर 15 तक पार्ट 2 बुक में पढ़ना है। NCERT का दो बुक है, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। उसमें भी पार्ट 2 में 11 चैप्टर से 15 तक चैप्टर के फिजिक्स को मॉडर्न फिजिक्स यानी आधुनिक भौतिकी बोलते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया टोटल चैप्टर का नाम, कि आपको 15 चैप्टर पढ़ने हैं, दो बुक्स है, एक बुक में 8 चैप्टर और 9वां से लेकर 15वां तक दूसरे बुक में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा, जिसको आपको एकदम पढ़ना ही चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए, पहला नंबर चैप्टर, दूसरा, तीसरा, ध्यान से देख लीजिएगा, स्टार मार्क चाहे तो आप लगा सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, NCERT का बुक है या कोई बुक है उसमें भी लगा सकते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। और उसके बाद तीसरा के बाद मेरे बच्चों कहां गया, नौवां, दसवां और एक चौदहवां। कम से कम 3, 2, 5, 6 चैप्टर पे तो आपका अच्छा कमांड होना ही चाहिए, बहुत बढ़िया वाला, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया पूरा का पूरा चैप्टर। अब देखिए, सिलेबस की अगर मैं बात करूं ना बच्चों, तो इंटरनेट पे अगर आप देखेंगे तो बिहार बोर्ड का ना सिलेबस आपको ढूंढने में काफी मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, बिहार बोर्ड का वही सिलेबस है जो पहले वाला NCERT में पढ़ना था, पुराना वाला में। नया वाला NCERT जो है वो CBSE के अनुसार बदलाव कर दिया, CBSE के अनुसार मतलब 15वां चैप्टर हटा दिया नए वाले NCERT से, पहला चैप्टर से कुछ टॉपिक हटा दिया, दूसरा से कुछ, तीसरा से कुछ। तो नया वाला, जैसे मेरे पास देखिए पुराना वाला NCERT है, अगर आप नया वाला इंटरनेट से डाउनलोड करेंगे या फिर आप बुक खरीदेंगे नया वाला NCERT का, तो उसमें CBSE के अकॉर्डिंग वाला आपको मिलेगा सिलेबस, यानी कि आपको 14 चैप्टर मिलेगा और हर एक चैप्टर से कुछ ना कुछ टॉपिक हटा हुआ मिलेगा, और 14वां चैप्टर से तो बहुत कुछ हटा हुआ मिलेगा, इससे 14वां 13वां से तो बहुत कुछ हटा हुआ मिलेगा। तो आप नया NCERT अगर खरीदते हैं तो वो आपका एग्जैक्ट सिलेबस नहीं है,
अब एग्जैक्ट सिलेबस आपको मिलेगा कहां से, जैसे मैं एक उदाहरण के लिए बताता हूं। देखिए यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखेगा भी, पुराना वाला एनसीईआरटी में पहला चैप्टर में 15 टॉपिक पढ़ना है पुराना वाला एनसीईआरटी में, और नया वाला एनसीईआरटी जो सीबीएसई के अकॉर्डिंग उसमें मात्र 14 टॉपिक पढ़ना है, यानी एक टॉपिक हटा दिया है। लेकिन बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को तो 15 में 15 टॉपिक पूछेगा ना, पूरा का पूरा पूछेगा ना। तो अब आपको सिलेबस कहां से मिलेगा, तो जो नया वाला एमिंग हाई ऐप है जिसको आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करेंगे, एमिंग हाई सर्च कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, उसमें ना मेरे बच्चों में पूरा पुराना वाला, जैसे आप देखिएगा तीन दिखेगा, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम। तो स्टेट बोर्ड के अंदर ना मैं जो एनसीईआरटी बुक डाला हूं वो पुराना वाला बुक डाला हूं, और उसमें पूरा पूरा एग्जैक्ट बिहार बोर्ड का सिलेबस है। आप समझ रहे होंगे कि कैसे करके बिहार बोर्ड का आपको सिलेबस आपको मिलेगा। आशा करते हैं मेरे बच्चों कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और हर एक चैप्टर जो है ना इसका पूरा सिलेबस वहां से चाहिए तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप बुक निकालेंगे तो उसमें हर एक चैप्टर का दिख जाएगा कि क्या क्या पढ़ना नहीं पढ़ना है, और नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यानी जो सिलेबस जिससे एग्जाम में पूछेगा उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करिए। ज्यादा जेई और नीट्स वगैरह देखिए, अगर आपको जेई नीट करना है तब तो करिए ही करिए, लेकिन अगर आपको सिर्फ बोर्ड की तैयारी करनी है ना तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जेई नीट वाले में हाथ मत आजमाइए, बरगला जाइएगा। आपको इतना इतना जो पढ़ना है ना बोर्ड में आपको इतना पढ़ाया जाएगा, और उस चक्कर में ये भी आपके हाथ से निकल जाएगा, ये भी कैप्चर नहीं हो पाएगा। इसलिए इतना ही पढ़िए, जो बोर्ड में पढ़ना है अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं आपके साथ हूँ। आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए ये भी बताइएगा मेरे बच्चों, मैं तो हमेशा आपके साथ हूँ, था, रहूँगा। और मिल करके लाइव क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें भी हम लोग काफी बेहतर करेंगे। मिलते हैं आप लोगों से क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू बच्चों।